जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, आज चर्चा करते हैं मकर संक्रांति पे। दोस्तों, आप सामने की तरफ पतंग उड़ता हुआ देख भी पा रहे होंगे। ये पतंग उड़ रहा है वो जानवरों के लिए भी खतरनाक है और इंसानों के लिए भी खतरनाक है। वो आपने भी कई बार न्यूज वगैरह में चढ़ा सुना ही होगा कि किसी का गला कट गया, किसी का होंठ कट गया। तो उसी पे चर्चा करते हुए अपन आज बात करते हैं। जयपुर ट्रैफिक पुलिस में एक प्रेम सिंह जी हैं, सामने की तरफ आप देख भी पा रहे हैं, वो कबूतर को बचा रहे हैं। और उसका जो मंजा होता है, जो चाइनीज मंजा होती है, जो चाइनीज डोर होती है, उसमें कबूतर फंस जाता है। दोस्तों, ये मानवता का धर्म इन्होंने निभाया, इनके लिए धन्यवाद, जय हिंद और इनको सलूट। आप ऊपर की तरफ देख पा रहे होंगे, कबूतर एक मंजे में फंसने की वजह से वहाँ पे अटक गया है और आप देख भी पा रहे हो किस तरीके से तड़फड़ा रहा है। तो दोस्तों, मैं एक छोटी सी आपको बात कहना चाहता हूँ, या छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके छोटे भाई की तरफ से कि आप पतंग उड़ाएं, लेकिन जो मंजा होता है, जो चाइनीज डोरी होती है, वो उपयोग ना करें बिल्कुल भी दोस्तों, क्योंकि उससे मतलब इंसान को भी खतरा है, तो जानवरों को भी और पक्षियों को भी। अब ये प्रेम सिंह जी हैं जो जयपुर ट्रैफिक पुलिस में, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, आप देख पा रहे होंगे ऊपर की तरफ जाके उन्होंने मंजे से मतलब छुड़वाया है, अब नीचे की तरफ दे रहे हैं उनको कबूतर को। और आप इनके लिए तो थैंक यू जरूर कमेंट में लिखें और धन्यवाद जरूर लिखें कमेंट में। और सामने की तरफ आप देख भी पा रहे होंगे कबूतर किस तरीके से तड़पड़ा रहा है और पूरा मंजा, जो प्लास्टिक डोरी होती है जिससे लोगों का गला भी कट जाता है। दोस्तों, ऐसा मकर संक्रांति को बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको पतंग उड़ाना ही है तो कम से कम जो अपनी नॉर्मल डोरी आती है वाइट वाली, वो ही यूज करें, ना कि चाइनीज डोरी का यूज करें। जो बिल्कुल देखो, आप देख पा रहे होंगे मुंह से काट रहा है बंदा, फिर भी नहीं कट रहा। और ये जो पुलिस वाले साहब हैं प्रेम सिंह जी, ये भी अपने हाथों से काट रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। अब आप देख भी पा रहे होंगे सामने की तरफ कबूतर को, बिल्कुल कबूतर पूरी तरीके से चाइनीज डोरी में फंसा हुआ है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, भारत माता की जय।